ये सोच कर ही बनाया खुदा ने ज़ैनब को, अली के ख्वाब की ताबीर हो तो ऐसी हो, हुसैन की कोई हमशीर हो तो ऐसी हो, ये सोच कर ही बनाया खुदा ने ज़ैनब को, अली के ख्वाब की ताबीर हो तो ऐसी हो, हुसैन की कोई हमशीर हो तो ऐसी हो। आयरात में इस माहौल में चाहता हूँ कि उस शायर खुश लहन को आपके हवाले करूँ जिसके लिए मिसरा घिसा पिटा है, मगर वही गालिब सादिक आता है, इससे बढ़कर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। 16 साल लपक जाए है आवाज तो देखो, जनाबे सुहेल बस्तवी इंतहाई कम मुद्दत में पूरी दुनिया की दिलों की धड़कन बन जाने वाली शख्सियत सुहेल बस्तवी की है। मुसलसल महफिलों में शरीक हो रहे हैं, सारी सारी रात महफिलें पढ़ते हैं और फिर दिन में सफर भी करते हैं, और जाहिर है कि पेशे से टीचर हैं, मुदर्रिस हैं, तो ये भाग भाग के स्कूल भी जाते हैं, दिन में टीचिंग का प्रोफेशन मुकम्मल करके फिर शाम को बाहर निकलते हैं, फिर रात भर महफिलें पढ़ते हैं। इनके हौसले की दाद देना चाहिए, इनके कलेजे की दाद देना चाहिए, और हर तरफ से इनकी डिमांड है। अभी जाहिर है कि यहाँ पढ़ रहे हैं, शायद कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे, अभी हिंदुस्तान में हैं, परसों दुबई नज़र आएंगे, तो इस तरीके से इनका सफ़र मुसलसल है। मैं आप सब से सिर्फ इतनी सी इल्तमास करूँगा कि ऐसे महबूब शायर के इस्तकबाल में अपनी तमाम तर मोहब्बतों का मुजाहरा करके एक बार हमारी आवाज़ से अपनी आवाज़ मिला दीजिए। नारे हैदरी जिंदाबाद, मैंने हल्के से कहा, आपने जोर से जवाब दिया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मोहतरम जनाबे सुहेल बस्तवी से गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाज़रीन महफिल सलामुलैकुम। आप सबकी खिदमत में एक बेहद कामयाब और बाबरकत जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दुआ गो हूँ कि इस जश्न के सफ़े में जो भी नेक दिली हाजात हैं मालिक सब पूरी करें। आप सबको परवरदिगार शादोबाद रखे, और मुंतज़मीन का आरिफ भाई का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बार फिर इस हकीर व फ़कीर को मौका मिला कि अजीब जश्न में कुछ टूटे बूटे शेर पेश कर सकूं। और जैसा नसीर भाई ने कहा, मोहब्बत है, बहरहाल मेरी कोई औकात नहीं है, पढ़ना ना दूर की बात है, बोलना भी नहीं आता, सीखने का दौर है, जो कुछ है मासूमीन की आता है, वालदैन की दुआएं, आप सब की मोहब्बत है, मौला आप सबको सलामत रखे। सलवात पढ़ दें, बाज़ बलन मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तेरी महफिल बैठ कर ज़ैना, तेरी महफिल, तेरी महफिल में बैठ कर ज़ैना कर लिया खुद सफर। क्या कहना, ज़ैनब कर लिया खुद का, कहाँ बैठे आप सफर, ज़ैनब बाअदब बाप मुलाहिज़ा होशियार खुद भी बैठी फर्श पर, ज़ैना जिंदाबाद जिंदाबाद, ज़ैना खुद भी बैठी है बादब बा
عرش پر زینب خود بھی بیٹھی ہے فرش پر زینب صلوات پڑھ دیں محمد والے یہاں سے ایک مطلب چند سادے سادے سے اشعار ہیں ایک مصرع تھا کہ دین کو زندہ بچا لانا ہنر زینب کا ہے دین کو زندہ بچا لانا ہنر زینب کا ہے مطلب ہے کچھ شعر ہے ایک اور صلوات پڑھیں تو میں پڑھتا ہوں جشن میں رکھنا خیال اس کا اگر زینب کا ہے بہت ساری محافل بہت سے جشن ہوتے ہیں یہ ایک عظیم جشن ہے الگ جشن ہے جشن میں رکھنا خیال اس کا اگر زینب کا ہے ڈال دو پردہ نگاہوں پہ گزر زینب کا ہے ملکہ جنت ہے ماں اور ساقی کوثر ہے باپ کیا کہنا ہے کیا مصرع ہے ملکہ جنت ہے اور ساقی کوثر ہے باپ یہ تعارف در حقیقت مختصر زینب کا ہے یہ تعارف در حقیقت مختصر زینب کا ہے چار یا پانچ شعر کی زحمت ہے دیکھ لیں جشن زینب فاطمہ کے بعد کوئی ثانیہ زہرا نہیں کس کو میسر ہے مگر زینب کا ہے یہ لقب اب اپنا پسندیدہ شعر حاضر کر رہا ہوں کس کو میسر ہے مگر زینب کا ہے مت کہو اونو محمد ہی ہے ان کے لاڈلے کیا کہنا مت کہو اونو محمد ہی ہے ان کے لاڈلے ہم شبی مصطفیٰ پہلا پسر زینب کا ہم پہلا پسر بابا 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 مصطفیٰ پہلا
زینب کا دین کو زندہ بچا لانا ہنر زینب کا ہے. کربلا سے بھاگنے والے گھرے ہیں شام میں. واہ واہ. کربلا سے بھاگنے والے گھرے ہیں شام میں. اس طرف عباس کا قبضہ ادھر زینب کا ہے. واہ 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 واہ. کربلا سے بھاگنے والے گھرے ہیں شام میں. اس طرف عباس کا قبضہ ادھر دین کو زندہ بچا لانا ہنر زینب کا ہے. اس طرف عباس کا قبضہ ادھر زینب کا ہے. شہزادی قبول کریں. دین کو زندہ بچا لانا ہنر زینب کا ہے. اس طرف عباس کا قبضہ ادھر زینب کا ہے. پشت پر عابد نہیں نبیوں کی محنت لائی ہے. پشت پر عابد نہیں نبیوں کی محنت لائی ہے. دین کو زندہ بچا لانا ہنر زین زندہ بچا لانا ہنر زینب کا ہے. یوں عزاداروں کے چہرے پھول جیسے ہیں سہے. جس پہ یہ کھلتے ہیں وہ مجلس شجر زینب کا ہے. جس پہ یہ کھلتے ہیں وہ مجلس شجر زینب کا ہے. زندہ بچا لانا ہنر پشت پہ عابد نہیں نبیوں کی محنت لائی ہے. دین کو زندہ چالانا ہنر زینب کا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. دیکھیں وقت یقیناً نہیں ہے اور تمام محترم شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہمارے منور بھائی بھی ہیں. ابھی چند دوست کل یہ آخری کلام ہے.
चार या पाँच मिनट की जहमत है, चंद दोस्त कबल एक मिसरा हुआ था मुबारकपुर में कि दोजख में फातिमा के गुनाहगार जाएंगे, दोजख में फातिमा के गुनाहगार जाएंगे, मतलब है मतलब एक और उसके बाद ये जितने मौलाई बैठे हुए हैं आँखों में अजब से चमक लेके बैठे हैं उनको शामिल करो मतलब में, जितने मद्दहान शोरा हैं और तस्मीन की जहमत है, दोजख में फातिमा के गुनाहगार जाएंगे। नारा हैदरी, मतलब देख ले, वादा है तुमसे मीसमे तमार जाएंगे, वादा है तुमसे मीसमे तमार, वादा मार जाएंगे जाएंगे, हम भी जबां चढ़ाने सरेदार जाएंगे, हम भी जबां चढ़ाने सरेदार जाएंगे, वादा है तुमसे मी समेत तमार जाएंगे। अब यहां से शेर देखने कोई तमीज नहीं है, जहरा की रोटियों पे पलेंगे फलक मुकीम, फलक मुकीम, जहरा की रोटियों पे पलेंगे फलक मुकीम, इस पार से वो मांग के उस पार जाएंगे, आ रहा हूं वहां तक, तस्मीन तक आ रहा हूं, इस पार से वो मांग के उस पार जाएंगे, आकर दरे बतूल पे हूरों ने ये कहा, हम करके इसकी खाक से सिंगार जाएंगे, हम करके इसकी खाक से, कहाँ बैठे हैं महफिल में, कौन आता है कौन जाता है, सिंगार जाएंगे, तो महफिल में आते जाते ही रहते हैं अंबिया, रहते हैं अंबिया, दो चार आके बैठेंगे, दो चार जाएंगे, दो चार आके बैठेंगे, दो चार जाएंगे, बत्तीस चार शेर की सहमत है, दो चार आके बैठेंगे, दो चार जाएंगे। देखिए जवान बैठे हुए हैं, आज का जमाना एक से खतरनाक वेपन्स का है, हथियार का है, मिसाइल्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, लेकिन कभी कभी वो भी अपने टारगेट से भटक जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि अपने लक्ष्य को ना भेद पाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऐसा हथियार है, लानत लानत पहुंच ही जाती है हकदार ढूंढ कर, बस पांच मिनट की जहमत है, लानत पहुंच ही जाती है हकदार ढूंढ कर, अरे लानत पहुंच ही हकदार ढूंढ कर, ये तीर वो नहीं है जो बेकार जाएंगे,
हैं जो बेकार जाएंगे लानत जी। यार यार है तुमसे मी समय तमार जाएंगे आकर दरे बतूल पे हूरों ने ये कहा हम करके इसकी खाक से सिंगार जाएंगे। ये तो ऊंचार है, एक ईद दिखाने की कोशिश है, देखें। कहकर सवारते थे ये शानों को मुस्तफा कहकर सवारते थे ये शानों को मुस्तफा आज इन पे इब्ने हैदर कर्रा बस तीन शेर की सहमत है। करार दोज़ख में फातिमा के गुनाहगार जाएंगे जहरा की रोटियों पे पलेंगे फलक मुकीम इस पार से वो मांग के उस पार जाएंगे फितरत यहाँ बदलती है करबो बला है ये बूढ़ों से नौजवान यहाँ हार जाएंगे दोजख में फातिमा के गुनाहगार जाएंगे बूढ़ों से दोजख में फातिमा के गुनाहगार जाएंगे लानत पहुंच ही जाती है हकदार ढूंढ कर ये तीर वो नहीं है जो बेकार जाएंगे तो हो चाहे रिश्तेदारियां उनकी रसूल से हो चाहे रिश्तेदारियां उनकी रसूल से में फातिमा के गुनाहगार जाएंगे फातिमा के गुनाहगार जाएंगे दोज़ख में फातिमा के गुनाहगार जाएंगे हो चाहे रिश्तेदारियां रसूल से दोज़ख में फातिमा के गुनाहगार जाएंगे। आखिरी शेर मौला आप सबको सलामत रखे। चौको चौको इमाम बाड़े की मत भीड़ पर सुहे अरे चौको भीड़ पर सुहेल होगी जहां दवा वहीं बीमार।